आपने महंगाई भी देखी होगी कहां पहुंच गई है महंगाई। जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। पहले जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पैकेट कितना छोटा हो गया। बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है आपका बिस्किट का पैकेट एक बिस्किट वाला मिल जाए। आपने महंगाई भी देखी होगी कहां पहुंच गई है महंगाई। आज हर जरूरत का सामान महंगा हो गया। जो भी चीज हम खरीदने जा रहे हैं सब महंगी हो गई। न केवल हमारी पढ़ाई महंगी हुई है, किताबें महंगी हुई हैं, दवाई महंगी हुई है। हमारे नौजवान भी जानते होंगे जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो कितने रुपए की आती थी, 50,000 रुपए में आती थी। और आज जब बाजार से खरीदना पड़ता होगा तो बताओ कितने रुपए की आ रही है, 1 लाख से ऊपर कर दी है। जहां हर जरूरत का सामान महंगा किया है, आपके डीजल पेट्रोल के साथ साथ कीटनाशक दवाइयां। और हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब वो डीएपी लेने गया तो सरकार ने मजबूर किया कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदोगे आपको डीएपी नहीं मिलेगी। लेकिन नैनो यूरिया से कोई न पैदावार बढ़ी न फसल को लाभ पहुंचा। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। और जहां बोरी की चोरी हुई है, पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हो गई, 10 साल में इन्होंने बोरी की चोरी में 10 किलो खाद कम कर दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं। तब मुझे याद आता है कि बाजार में हमारे लोगों ने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट। पहले जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, पुराने लोग जानते होंगे कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कम नहीं किया तो अब पैकेट कितना छोटा हो गया। आज 5 बिस्किट का पैकेट आ रहा है। याद रखना, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो हो सकता है आपका बिस्किट का पैकेट एक बिस्किट वाला मिल जाए। इसलिए जहां हम महंगाई से सावधान करने आए हैं, वहीं अपने नौजवानों से और गरीबों से कहने आए हैं कि जिस समय 2022 में इन्होंने राशन दे करके वोट लेने का काम किया था, इधर राशन की मात्रा कम कर दी और जो राशन की गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं है। इसलिए अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं गाजीपुर के कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे।